पीरियड्स के दौरान, मासिक के दौरान खून के थक्के आना क्या नॉर्मल है? क्या ये अंदरूनी प्रॉब्लम का अंदेशा है? क्या मुझे कैंसर है? आपके इन्हीं सवालों को आज के वीडियो में हम आंसर करने वाले हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर खुशबू। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट और IVF कंसल्टेंट हूँ। फ्रेंड्स, मासिक धर्म पीरियड्स आपको हर महीने आते हैं। एक रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में महिलाओं को महीने में एक बार पीरियड्स आना नॉर्मल है। यूजुअली जो ये ब्लीडिंग होती है वो लिक्विड होती है, पानी जैसी होती है। शरीर में आपने देखा होगा कि कहीं पे भी अगर आपको कट हो जाता है तो क्या होता है, वो ब्लड है वो क्लॉट हो जाता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि पीरियड्स का ब्लड क्लॉट क्यों नहीं होता, उसके खून के थक्के क्यों नहीं बन जाते? यस, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि फ्रेंड्स, जो पीरियड्स का ब्लड जब यूट्रस में आता है, गर्भाशय में आता है, तो उसके साथ साथ जो गर्भाशय है आपकी, वो एक हार्मोन रिलीज करती है, एक केमिकल रिलीज करती है जिसे हम एंटी कोगुलेंट कहते हैं, जो कि खून के थक्के नहीं बनने देती। एंटी कोगुलेटेड जो ब्लड है वो क्लॉट में कन्वर्ट नहीं होती है, खून के थक्के नहीं बनते हैं। ये होता क्यों है? ताकि जो यूट्रस के अंदर का ब्लड है जो रिलीज हुआ है आपका पीरियड्स के दौरान, उसके खून के थक्के अगर बन जाएंगे तो यूट्रस से निकलना, योनि मार्ग से निकलना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये नेचुरल प्रोसेस है जिससे कि आपके पीरियड्स के ब्लड आसानी से आपके यूट्रस से बाहर आ सके। लेकिन कई बार आपकी जो ब्लीडिंग है वो ज़रूरत से ज़्यादा होने लगती है। तो जब ब्लड का अमाउंट बढ़ जाता है लेकिन यूट्रस उसके अनुसार सही मात्रा में एंटीकोगुलेंट ज़्यादा मात्रा में नहीं रिलीज कर पाती है, तो खून के थक्के बनने शुरू हो जाते हैं, जो कि महिलाओं को पीरियड्स में देखने को मिल सकते हैं। छोटे छोटे खून के थक्के, जैसे कि मूंगफली के दाने के बराबर के थक्के अगर आपको कभी कभी पीरियड्स में आते हैं और जो ब्लीडिंग है पीरियड्स की वो नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है, बार बार पैड नहीं चेंज करना पड़ रहा है, तो ये नॉर्मल है। लेकिन अगर आपको पीरियड्स में बड़े बड़े क्लॉट्स पास हो रहे हैं, बार बार हो रहा है, हर महीने आपको क्लॉट्स पास करने की तकलीफ़ है, पीरियड्स में ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, बार बार पैड चेंज करना पड़ रहा है, लंबे समय तक पीरियड्स कंटिन्यू रह रही है, तो ये एक एबनॉर्मैलिटी का अंदेशा हो सकती है जिसके लिए आपको डॉक्टर्स को कंसल्ट करना चाहिए। फ्रेंड्स, पीरियड्स में ज़्यादा ब्लीडिंग होना, खून के थक्के आना, क्लॉट्स पास होना, दो कारणों पे हम डिवाइड कर सकते हैं। या तो आपके ब्लड में, आपके हॉर्मोन्स में कोई प्रॉब्लम है, या तो फिर आपके गर्भाशय में कोई प्रॉब्लम है। यूजुअली पीरियड सही समय पर आने के लिए, सही मात्रा में आने के लिए जो आपके हॉर्मोन्स का बैलेंस है उसका सही होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये बैलेंस सही नहीं होगा तो आपको पीरियड्स टाइम पे नहीं आएंगे, कम आ सकते हैं या फिर ज़्यादा आ सकते हैं, क्लॉट्स पास हो सकते हैं। यही होता है फ्रेंड्स एक्सट्रीम्स ऑफ एज में, मतलब कि यंग लड़कियाँ जहाँ पे अभी अभी पीरियड्स लड़कियों में शुरू हुआ है, तो पहले जो एक दो साल होते हैं उसमें जो हार्मोन का बैलेंस बनने में समय लगता है, जिसकी वजह से जो पहले दो साल होते हैं मेनार्क के बाद, उसमें ब्लीडिंग ज़्यादा होने की, क्लॉट्स पास होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। सिमिलरली जब महिला का मेनोपॉज होने वाला होता है, रजोनी वृद्धि होने वाली होती है, तब भी आपका जो हार्मोन बैलेंस है वो बिगड़ जाता है, आपको अब पीरियड्स हमेशा के लिए बंद होने वाले हैं। तो जो लास्ट टू ईयर्स होते हैं, लास्ट टू थ्री ईयर्स होते हैं पीरियड्स बंद होने के पहले, इसी तरीके से महिलाओं को परेशान करते हैं, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, खून के थक्के पास होते हैं। गर्भाशय में अगर आपको गांठ है, जिसे हम फाइब्रॉइड कहते हैं, रसौली कहते हैं, ये एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है 30 साल से ऊपर की महिलाओं में। गर्भाशय में अगर आपको गांठ होती है तो यूजुअली ये काफ़ी सिम्टोमेटिक होती है और आपको पीरियड्स में ब्लीडिंग के साथ क्लॉट्स पास होते हैं। अगर आपको यूट्रस के अंदर पॉलिप है, ये एक बेनाइन ट्यूमर होता है जहाँ पे आपके गर्भाशय की परत से एक पॉलिप जैसा स्ट्रक्चर गर्भाशय में दिखाई देता है, जिसकी वजह से महिलाओं को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और जल्दी ये मेडिसिन को रिस्पॉन्ड भी नहीं करती है। एडेनोमायोसिस, इंडोमेट्रियोसिस, कई ऐसे बीमारियां हैं जहां पे पीरियड्स में क्लॉट्स, ब्लीडिंग के साथ साथ आपको गर्भाशय में दर्द, यानी पीरियड्स के टाइम में पेट के निचले हिस्से में काफ़ी दर्द होता है।
अगर आपने गर्भ निरोध के लिए कॉपर टी लगवाया और उसके बाद आपको लगवाने के तुरंत बाद या एक दो साइकिल के अंदर अगर आपको क्लॉट्स पास करते हैं तो ये एक कॉपर टी का साइड इफेक्ट्स है। अगर मेडिकेशन से ये रिस्पॉन्ड कर जाती है तो अच्छा है, अदरवाइज कई बार ऐसे केसेस में कॉपर टी निकालने की भी नौबत आती है। अबॉर्शन अगर पास्ट में आपका हुआ है तो अबॉर्शन के तुरंत बाद के जो पहले दो साइकिल हैं वो उन साइकिल्स में ब्लीडिंग ज़्यादा होती है और क्लॉट्स भी आपको पास हो सकते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो कि एक यंग लड़कियों की प्रॉब्लम है जहाँ पे मेल हार्मोन शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। PCOS की महिलाओं में यूजुअली 2 से 3 महीने पीरियड्स अपने आप नहीं आते हैं, आते भी हैं तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और क्लॉट्स पास हो सकता है। तो PCOS भी एक कॉज हो सकता है आपकी एक्सेसिव ब्लीडिंग और क्लॉट्स का। कई बार बढ़ती उम्र में जो गर्भाशय का कैंसर है, हाइपरप्लेशिया एंड इंडोमेट्रियल कैंसर एक कारण होता है एक्सेसिव ब्लीडिंग का, जहाँ पे महिलाओं को इरेगुलर ब्लीडिंग होती है, कभी भी अचानक से ब्लीडिंग होने लगती है और साथ में बड़े बड़े खून के थक्के पास होते हैं। तो जब भी अगर आपका एज एडवांस्ड हो और आपको क्लॉट्स पास हो रहा हो तो इसे नज़रअंदाज ना करें और आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को तुरंत कंसल्ट करें। थायरॉइड हार्मोन की भी जब प्रॉब्लम होती है, हाइपोथायरॉयडिज्म के केसेस जहाँ पे थायरॉइड TSH हार्मोन बढ़ जाता है और T3 T4 कम हो जाता है, यानी जो मोटापा वाला थायरॉयडिज्म होता है जहाँ पे वेट बढ़ता है, उस वाले हाइपोथायरॉयडिज्म के केसेस में भी आपको एक्सेसिव ब्लीडिंग क्लॉट्स के साथ पास हो सकती है। तो फ्रेंड्स, हमने कारणों के बारे में जाना जिस वजह से पीरियड्स के दौरान क्लॉट्स आते हैं। इसको डायग्नोस करने के लिए आपके गायनोकोलॉजिस्ट, आपके स्त्री रोग विशेषज्ञ आपका लोकल एग्जामिनेशन करती हैं, एक अल्ट्रासाउंड और कुछ ब्लड टेस्ट ऑर्डर करती हैं। यूजुअली 90% केसेस एक अच्छे अल्ट्रासाउंड से डायग्नोस हो जाते हैं। कुछ केसेस में CT स्कैन, MRI या फिर इंडोमेट्रियल बायोप्सी की ज़रूरत पड़ सकती है, जो कि कारणों पे डिपेंड करता है, बट 90% केसेस में एक अच्छे अल्ट्रासाउंड से आपकी डायग्नोसिस हो जाती है। ट्रीटमेंट क्या करना है ये यूजुअली आपके डायग्नोसिस पे डिपेंड करेगी, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो दवाएं होती है। ट्रनिक्सामिक एसिड गोली अगर दिन में 3 से 4 बार अगर महिलाओं को एडवाइस किया जाए पीरियड्स के दौरान तो यूजुअली महिलाएं इसे रिस्पॉन्ड करती हैं। अगर इस गोली से आराम नहीं मिला तो हार्मोनल पिल्स ऐड किए जाते हैं जिससे कि काफ़ी राहत मिलती है। हार्मोनल पिल्स के जैसी ही एक IUD सिस्टम होता है, जैसे कि कॉपर टी होता है। कॉपर टी के अंदर अगर कोई दवा हमने डाल दी, जैसे प्रोजेस्ट्रॉन पिल्स में जो दवाएं थी वो हमने कॉपर टी के अंदर डाल दिया और उसे यूट्रस में डाल दिया जाता है, जिसे मिरीना के नाम से यूजुअली मार्केट में मिलती है। मिरीना इंसर्शन के बाद बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखा गया है। जो हैवी ब्लीडिंग की महिलाएं हैं, जो क्लॉट्स महिलाएं पास करती हैं, उनमें अगर ये कॉपर टी मिरीना डाल दिया जाता है तो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आता है। अगर इन दवाओं से भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो कई बार ऑपरेशन की ज़रूरत महिला को पड़ती है। अगर आपको पॉलिप है तो पॉलिप रिमूव कर देने से ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको रसौली है, फाइब्रॉइड है, तो हम अगर फाइब्रॉइड रिमूव कर देते हैं तो उससे महिलाओं को राहत मिलती है। कई बार महिलाएँ किसी भी ट्रीटमेंट ऑप्शन को रिस्पॉन्ड नहीं करती है और उन्हें हिस्टरेक्टमी एडवाइस करना पड़ता है, यानी कि जो बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन एडवाइस किया जाता है, जो कि या तो लैप्रोस्कोपी के माध्यम से या पेट काटकर किया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन सर्जन्स स्किल्स। सर्जन जैसा जो सूटेबल समझते हैं वो आपको एडवाइस करेंगे। फ्रेंड्स, पीरियड्स में और भी कई सारी समस्याएं होती है, हैवी ब्लीडिंग की, पीरियड्स कम आने की, इररेगुलर पीरियड्स की। इसके लिए ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस बना के रखा है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप इन वीडियोज़ को देखें, और अगर आपको चैनल पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।